संतरी जी महाराज प्रणाम, खुश रहो। एक महिला हम देख रहे हैं, इसका हमारे दरबार में आने का कोई विशेष कारण है क्या महाराज? इसको किसी चीज की जरूरत थी तो आप राजकोष से दे देते। मैंने इनको पूछा था महाराज कि महाराज सूरजमल के दरबार से आपको धन की आवश्यकता है, किसी वस्त्र की आवश्यकता है तो मैं दे देता हूँ। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत सताई हुई महिला हूँ। हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ के लोहागढ़ के महाराज सूरजमल से मेरी 2 मिनट बातें करवा दो। महाराज ये आपसे बात करना चाहती हैं, इसलिए वृद्ध महिला को दरबार में पेश किया गया है। माता महाराजा प्रणाम। प्रणाम तो मैं आपके चरणों में करता हूं, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान मेरी राजधानी का एक एक बच्चा करता है। आखिरकार मेरे मंत्री से आप क्यों संतुष्ट नहीं हुई? आपको किस चीज की जरूरत थी? और अगर कोई ऐसी विशेष बात है, मैं देख रहा हूं आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, कहीं ना कहीं आप थकान महसूस कर रही हैं। आपके चेहरे की ये सरवटें बता रही हैं, आपकी आंखों से गिरते हुए आंसू कुछ बयां कर रहे हैं। हे माँ, मेरे लायक कोई आज्ञा हो तो आप जरूर करें। आपका ये राजा आपका बेटा बन के आपके चरणों में अपना शीश तक अर्पित कर देगा, लेकिन मैंने आज तक किसी महिला की आंखों में आंसू पहुंचे हैं कभी गिरने नहीं दिए हैं। कहिए आप क्यों आई हो? हे महाराजा, जिस माँ की आंखों के आगे उसकी संतान को जिंदा जला दिया हो, उस माँ की हालत भला क्या होगी? ये बूढ़ी जुबान आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है महाराजा, लेकिन अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे कुछ कह पाऊं। ऐ दिल की बात बता तेरी माता, ओ बता तेरी माता, क्यों आंसू भर लाई? अरे सूरजमल महाराज, आज मैं शरण तुम्हारी आई। दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों आंसू भर लाई? अरे सूरजमल महाराज, आज मैं शरण तुम्हारी आई। वो दिल की बात बता दे बुढ़िया। दुखिया की फरियाद सुनो ओ राजा छत्तरधारी, मुझे मेरे यहाँ इंसाफ मिलेगा, मेरे यहाँ इंसाफ मिलेगा, खोल सुना दे सारी। अरे बचती हो महाराज बचा दे, लुटती लाज हमारी। ओ बचती हो महाराज बचा दे, किसकी हिम्मत मेरे होते, किसकी हिम्मत मेरे होते, पता किसकी हिम्मत मेरे होते, एक दुखिया वीर सताई। ओ जाटों के महाराज कौम पे मुसीबत आई, दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों आंसू भर लाई? ओ सूरजमल महाराज, आज मैं शरण तुम्हारी आई, दिल की बात बता दे बुढ़िया।
साफ बता दे, साफ बता दे मत हिचके तेरी क्यों आंखों में पानी। इकलौती अरे इकलौती मेरी बेटी पे कर गए मुगल मनमानी। अरे कौन मुगल किसने छेड़ी पता तेरी बेटी सियानी। अरे लाल किले के बीच में बैठी, लाल किले के बीच में बैठी जिंदी दही जलाई। सुन के तेरी बात गात में, सुन के तेरी बात गात में मेरा होती नहीं समाई। दिल की बात बता दे बुढ़िया क्यों आंसू भर लाई। माता आपका ये जर्जर शरीर, कभी आप उठ खड़ी होती हो कभी बैठ जाती हो, शायद आपकी काया में सत नहीं है। और अभी आपने कहा कि मेरी बेटी को लाल किले के बीचों बीच जला दिया गया है। हाँ महाराजा, एक राजा का परम कर्तव्य बनता है उसकी प्रजा के अंदर अगर कोई नीचता की पराकाष्ठा पैदा करता है तो उसे उचित दंड देना चाहिए। तेरी बेटी ने भी कोई ऐसा जुल्म किया होगा, तेरी बेटी ने भी ऐसा कोई गुनाह किया होगा जिससे वहां के राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया है। हाँ, गुनाह तो किया था मेरी बेटी ने महाराजा। अच्छा, बहुत बड़ा गुनाह किया था। और वो गुनाह अगर आपको भी गुनाह लगे तो आप मुझे भी मार डालना, मैं अपनी बेटी का दोष कसूर में बताना चाहती हूँ। सुने महाराजा। तो फिर बताइए तेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था। सुनिए महाराजा, नहीं इस्लाम कबूल किया, नहीं इस्लाम कबूल किया, मेरी बेटी जड़ के मारेगी। तुम्हारी बेटी ने इस्लाम कबूल नहीं किया? हाँ महाराजा। और इसके बदले उसे जिंदा जलाया गया है? हाँ महाराजा। हे माता, कोई किस मजहब में रहेगा यह उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे भी राज्य में अनेकों मुसलमान रहते हैं लेकिन यहां किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढाया जाता। अगर तेरी बेटी के ऊपर यह अन्याय किया गया है तो सुन, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। कहे अपनी बात, मैं तुरंत जवाब दूंगा तेरी बात का। नहीं इस्लाम कबूल किया, मेरी बेटी जल के मारेगी। धन हो चंदन कौर लाडली, धन हो चंदन कौर लाडली, जग में नाम अमर करेगी। मरती हुई मेरी बेटी एक ये बोझ तेरे सर धरेगी। और क्या कहगी थी अंत समय पे बतला दे क्यों डरेगी। क्या कहगी थी अंत समय पे बतला दे क्यों डरेगी। मेरी मौत का बदला ले ले, मेरी मौत का बदला ले ले, सूरज मल मल दाई। अहमद सा, ओ अहमद सा, तुझे मजा चखा दू दिया पूछन हाथ फेराई। दिल की बात बता दे बुढ़िया तू आंसू भर लाई। अरे सूरज मल महाराज आज मैं शरण तुम्हारी आई। दिल की बात बता दे बुढ़िया। Thank you.
रंग जियो सूरज मलयो जाट भरतपुर वारे। अरे जाट सिपाहियों के दिल्ली में अब बीतेंगे सितारे। जाट सिपाहियों के दिल्ली में बीतेंगे सितारे। अजय रही है अब तक रियासत, अजय रही है अब तक रियासत, जाटों की बतलाई नरदेव बेनी बाल करे जा, नरदेव बेनी बाल करे जा, नित नई नई कवताई की बात बता दे बुढ़िया तू आसु भर ल्याई।